मध्य प्रदेश के अंदर है। पुष्कर फेस्टिवल, पुष्कर का मेला दोस्तों ध्यान रखिएगा, अजमेर पुष्कर में आयोजित होता है राजस्थान में, लेकिन पुष्कर फेस्टिवल नदी के महत्व को बताने के लिए जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। ऊंट फेस्टिवल, मरू फेस्टिवल दोस्तों राजस्थान के पोखरण जैसलमेर के अंदर, ऊंट फेस्टिवल ध्यान रखिएगा ये राजस्थान के बीकानेर के अंदर। स्पूतिक गस्टर फेस्टिवल ये दोस्तों लद्दाख के अंदर होता है और इसे ध्यान रखना मुखोटा फेस्टिवल भी कहा जाता है, मुखोटा डांस जो है वो सबसे फेमस है। इसके बाद में देखिए लोसर फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल तो लद्दाख में और लोसांग फेस्टिवल दोस्तों सिक्किम के अंदर, थोड़ा ध्यान रखना लोसर फेस्टिवल लद्दाख में और लोसांग फेस्टिवल दोस्तों सिक्किम में। हेमिस फेस्टिवल भारत का सबसे दोस्तों बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, लद्दाख में, तो हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। हॉर्नबिल दोस्तों पक्षी आपसे पूछे, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर। मकर बिलक्कू त्योहार केरल का दोस्तों एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर, उस मंदिर में मकर संक्रांति के दिन ये त्योहार होता है मकर बिलक्कू त्योहार। अगर पूछे सिग्मो फेस्टिवल, ये दोस्तों गोवा के अंदर होता है सिग्मो फेस्टिवल। अगला बांचुआ फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम के अंदर आयोजित होता है बांचुआ फेस्टिवल। त्रिशूर पुरम त्योहार ये दोस्तों केरल के अंदर होता है, भगवान शिव और देवी दुर्गा से संबंधित है। अगला काला घोड़ा फेस्टिवल ये मुंबई के अंदर होता है महाराष्ट्र में। काला घोड़ा फेस्टिवल अलग है, काला नमक दोस्तों फेस्टिवल अलग है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। और काला चावल का जीआई टैग ये मणिपुर के पास में, और काला नमक फेस्टिवल दोस्तों सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में। तो काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई में। बथुकम्मा फेस्टिवल, बथुकम्मा दोस्तों बोलते हैं ध्यान रखिए, इसे फूलों का त्योहार कहते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना के अंदर आयोजित होता है। अगर पूछे थाई पुसम फेस्टिवल, दोस्तों भगवान मुर्गन से संबंधित है और इसमें पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और जीव में दोस्तों सुई चुबोते हैं, वो है थाई पुसम, ध्यान रखना, फेस्टिवल तमिलनाडु के अंदर आयोजित होता है। अगर पूछे फूल डोल, राजस्थान के शाहपुरा दोस्तों भीलवाड़ा में फूल डोल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मांडू फेस्टिवल, मांडू और दोस्तों निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल ये दोनों की दोनों ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित होते हैं। अगर पूछे धानु जात्रा, भगवान श्री कृष्ण और दोस्तों मामा कंस की जो कहानी है वो किसके अंदर है, धानु जात्रा फेस्टिवल उड़ीसा के अंदर। रज पर्व दोस्तों, ये रज पर्व जो है वो पृथ्वी से संबंधित है और ध्यान रखना ये भी दोस्तों कहां पर है, उड़ीसा में। नुआखाई नया चावल ये भी दोस्तों ध्यान रखिए उड़ीसा। तो धानु जात्रा, रज पर्व, नुआखाई तीनों का संबंध ध्यान रखना उड़ीसा से। और अगर पूछे जगन्नाथ रथ यात्रा, वो भी दोस्तों उड़ीसा में। चेरी ब्लॉज फेस्टिवल, दोस्तों चेरी ब्लॉज नामक जो फूल है वो विशेष फूल जो है वो मेघालय के शिलोंग में खिलते हैं और उसी समय दोस्तों ये फेस्टिवल आयोजित होता है। चेरी ब्लॉज फेस्टिवल मेघालय की राजधानी शिलोंग में। हैरात फेस्टिवल, महाशिवरात्रि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए, वो दोस्तों हैरात फेस्टिवल है और नोट करना कहां पर, जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर पूछे हरेली, हरेली दोस्तों छत्तीसगढ़ में और हरेला त्योहार ध्यान रखना उत्तराखंड में। हरेली दोस्तों कहां पर, हरेली छत्तीसगढ़ में और हरेला त्योहार दोस्तों कहां पर, उत्तराखंड में। जहां ई की मात्रा है वहां राज्य में भी ई की मात्रा है, जहां आ की मात्रा है वहां राज्य में भी दोस्तों आ की मात्रा है। तो हरेली छत्तीसगढ़, हरेला दोस्तों उत्तराखंड। काला नमक चावल फेस्टिवल, मैंने आपसे कहा काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई के अंदर और काला नमक चावल फेस्टिवल ये दोस्तों सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में। पोंगल तमिलनाडु के अंदर, वहीं ओणम दोस्तों केरल में। पोंगल वाले दिन जल्लीकट्टू, वो भी तमिलनाडु के अंदर। छठ पर्व दोस्तों बिहार में, इसमें नदी का या दोस्तों नदी के साथ में, और किसका, नदी के साथ में दोस्तों भगवान सूर्य जो है, इन दोनों का महत्व है। छठ पर्व दोस्तों दिवाली के बाद आयोजित होता है, बिहार के अंदर आयोजित होता है। अगला देखिए सरहुल फेस्टिवल, सरहुल फेस्टिवल दोस्तों झारखंड का, सरहुल फेस्टिवल ध्यान रखना झारखंड के अंदर। ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप गार्डन दोस्तों कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर के अंदर, और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन वो भी जम्मू कश्मीर में। तो ट्यूलिप फेस्टिवल भी कहां दोस्तों, ये भी जम्मू कश्मीर में। बोईता वंदना महोत्सव, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कम दोस्तों चर्चा में रहता है, ये उड़ीसा के अंदर है।
बोईता वंदना फेस्टिवल। अगला कलपति रथ महोत्सव। देखो कलपति रथ महोत्सव दोस्तों ये केरल के अंदर का, केरल के अंदर ध्यान रखिएगा कलपति रथ महोत्सव। बोनालू त्योहार तेलंगाना, तेलंगाना में दोस्तों एक तो मैंने आपको अभी लिखाया था कौन सा, तेलंगाना में एक तो बथुकम्मा फेस्टिवल है फूलों का त्योहार, और तेलंगाना में दोस्तों कौन सा है बोनालू फेस्टिवल है तेलंगाना के अंदर। अगला नाम देखिएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 है। अगर आपसे पूछ ले 12 जनवरी को दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं, और इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 जो है पुडुचेरी में दोस्तों आयोजित किया गया। थैयम उत्सव, थैयम दोस्तों डांस भी है और थैयम फेस्टिवल भी है, कहां का, केरल का दोस्तों फेस्टिवल है। अट्टुकल पोंगल, अगर पूछे पोंगल फेस्टिवल कहां का है तो पोंगल तो दोस्तों ध्यान रखना पोंगल तो दोस्तों ध्यान रखना तमिलनाडु का है, अट्टुकल पोंगल पूछे आपसे तो केरल का है, दोनों में बारीक अंतर है। पोंगल दोस्तों तमिलनाडु का है, अट्टुकल पोंगल दोस्तों ध्यान रखना केरल का है, और ये महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है अट्टुकल पोंगल। अगला एप्पल फेस्टिवल, आप सभी जानते हो दोस्तों सेब का उत्पादन सर्वाधिक कहां, जम्मू कश्मीर में, तो एप्पल फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 ये राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश के अंदर इसको आयोजित किया गया, तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये दोस्तों पुडुचेरी के अंदर, और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये राजमहेंद्र वर्मन आंध्र प्रदेश के अंदर। अहरवल फेस्टिवल, देखिए एक्चुअली में दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक फॉल है जिसका नाम है अहरवल फॉल, अहरवल दोस्तों जलप्रपात, इसे जम्मू कश्मीर का नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं, इस प्रकार का महत्वपूर्ण है, तो यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अहरवल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। नवरोज फेस्टिवल, नवरोज दोस्तों ध्यान रखिएगा पारसी धर्म का नव वर्ष जो है वो नवरोज कहलाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर पूछे आपसे चेटी चंड, दोस्तों संत झूले लाल जो है उनकी जो जयंती है उस दिन मनाते हैं चेटी चंड, और ये दोस्तों सिंधी जो समुदाय है इनका हैप्पी न्यू ईयर है। जैसे हिंदू समुदाय के लिए दोस्तों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो आपके नवरात्रि है वो हिंदू समुदाय के लिए दोस्तों क्या है नव वर्ष है, ऐसे चेटी चंड है दोस्तों, ऐसे ध्यान रखना गुड़ी पड़वा ये कहां पर महाराष्ट्र के अंदर है, ऐसे दोस्तों ध्यान रखना नवरोज ये ध्यान रखना पारसी समुदाय, और मैंने इसी के साथ में एक और लिखा है नव रहे। देखो दोनों दोस्तों बड़े क्लोज है, नवरोज ये पारसी समुदाय का, लेकिन नव रहे दोस्तों ये ध्यान रखना जम्मू कश्मीर, नवरोज पारसी समुदाय का और नव रहे दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का। ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल थे वो मैंने आपके सामने कवर करे, इन्हें लगातार दोस्तों हम रिवाइज करेंगे जिससे हमारी दोस्तों आपके ये अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दिमाग में छप जाएगी। तो चलिए अब फूल पत्ती वाली